मैं हूँ मीनाक्षी भरवानी फ्रॉम पीएफसी एजुकेशन। पीएफसी एजुकेशन उदयपुर का, इनफैक्ट पूरे राजस्थान का पहला एसीसीए का गोल्ड लर्निंग पार्टनर है, साथ ही में ईआरएम का इकलौता राजस्थान का लर्निंग पार्टनर है। पीएफसी की जर्नी 3 साल पहले चालू हुई थी और उस 3-4 सालों में हमने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, लेकिन उसमें से सबसे बेहतरीन माइलस्टोन जो जिसके बारे में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ द इंटरनेशनल रिकॉर्ड वी हैव सेट। हमने 24 आवर मैराथन कराया था जो 21 फरवरी सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ, 22 फरवरी सुबह 10 बजे तक चलता रहा, जहाँ पे कंटिन्यूसली 24 घंटे तक हम बच्चों के रिविजन सेशन ले रहे थे। अ सिंगल ट्यूटर विद द रिविजन सेशंस ऑफ मल्टीपल बैचेस ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स कंटिन्यूसली। मुझे ऐसा लगा था शुरू में कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि 24 घंटे लगातार पढ़ाते रहना माइट बी अ वेरी वेरी टफ टास्क, बट आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड ऑल द अमेजिंग पीएससी स्टूडेंट्स जिनके कारण ये पूरा माइलस्टोन अचीव हो सका। पीएससी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एसीसीए का लर्निंग पार्टनर है। एसीसीए के एग्जाम 184 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में होते हैं, जहाँ पर 184 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ। सीए के बारे में हम सब ने काफ़ी सारा सुना है, चैलेंजेस काफ़ी फेस किए थे हमने शुरुआत में, जहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे ऑन द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि नहीं, लोगों को जॉब्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट पिछले 3 सालों में हमने अपना अमेजिंग सा कैंपस प्लेसमेंट सेट किया है, जहाँ पर उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, आसपास के कई शहरों में हमारे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, जॉब ही नहीं कर रहे हैं, जबकि बहुत अच्छी स्टाइपेंड उठा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स 15 लाख तक के पैकेजेस इन सिटीज़ में ऑन कर रहे हैं, सो दैट इट्सेल्फ टॉक्स अबाउट द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। उसके अलावा पिछले कई सालों में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 4 स्टूडेंट्स अब वर्ल्ड रैंक में आ चुके हैं। ये एग्जाम 184 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में होता है, जिसका मतलब सिर्फ 10 रैंक्स निकलते हैं, सिर्फ 10 कंट्रीज़ के नाम इस लिस्ट में आते हैं, जिसमें 4 बार हमारे उदयपुर के बच्चे इस लिस्ट में आ चुके हैं। सो दैट आई थिंक इज़ अ वंडरफुल अचीवमेंट। जॉब प्लेसमेंट्स और स्किल एनहांसमेंट के लिए हम मंडे टू फ्राइडे हम क्लासेस करते हैं, और एवरी सैटरडे हम स्किल सेशंस करते हैं बच्चों के, जिसमें बच्चों के स्किल्स एनहांस करने के लिए बाहर से स्पीकर्स आते हैं, उन्हें वेरियस टॉपिक्स के ऊपर कुछ गाइडेंस देते हैं, जैसे हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ टू अटेंड द इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर अ CV एंड ऑल दैट। एंड आई थिंक ये स्किल सेशंस ने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू एनहांस द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं टू गेट अ गुड जॉब इन द जॉब मार्केट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि पीएससी क्या एफर्ट्स करता है एज अ ट्यूटर, एज एन एजुकेटर, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग के दिमाग में एक सेट इमेज सेट है पढ़ाई की, बुक्स उठाओ, रटना चालू करो, मेक इट यू नो नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम कोशिश करते हैं हर बार कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ओवर द स्टडीज़ बना रहे। पिछले 2 साल के कोविड के जो साल थे बहुत ही चैलेंजिंग थे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट, फोकस जो स्टूडेंट्स का था, जो टाइम ड्यूरेशन जो एजुकेशन को दे सकते थे, वो बहुत कम हो चुका है। तो हमने लास्ट ईयर पॉकेट फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस किए, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस प्ले कार्ड्स के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया था। उस प्ले कार्ड्स में छोटे छोटे पॉइंटर्स डाले थे, जिसमें प्ले वे मेथड में स्टूडेंट अपना सारा करिकुलम रिवाइज कर सकता था। और अभी हमने इंटरनेशनल रिकॉर्ड सेट करने के चक्कर में 24 आवर्स की मैराथन करी, जस्ट टू कीप इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स। एंड आई एम हैप्पी टू से कि जितने बैचेस थे उन्होंने कंटिन्यूसली वो क्लासेस अटेंड की, विदाउट बंकिंग, विदाउट मिसिंग आउट ऑन एनी क्लास। सो दैट वॉज वन वंडरफुल अचीवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्टूडेंट पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएगा और उसको समझने की कोशिश करेगा कि कैसे वो उसके करियर को एनहांस कर सकता है, उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन और उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द बुक्स मेंटेन रहेगा। एंड टू बिकम अ प्रोफेशनल, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर इज दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, आपका नॉलेज लेवल जो है वो आपको सब कुछ अर्न करने में मदद करता है लाइफ में। जो कहता है कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का एक साथ वास नहीं होता है, वो बहुत गलत कहता है, कि दुनिया में जितने लोग अर्न कर रहे हैं वो अपनी नॉलेज का ही अर्न कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपके पास नहीं है, इसलिए आप जाते हैं उनको पे करते हैं। आप लॉयर के पास जाते हैं, आप उसके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके पास नॉलेज है जो आपके पास नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज इज़ समथिंग विच कैन हेल्प यू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। तो पढ़ाई कीजिए और इंटरेस्टिंग बनाइए उस जर्नी को। हैप्पी लर्निंग।